स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 16.3 को। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है ये आपका बेस्ड है एंगल बिटवीन टू कर्व्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स होता क्या है, क्या प्रोसीजर है फाइंड करने का। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं हमारे पास दो कर्व गिवन है, लेट से सी वन एंड सी टू, और ये जो पी है ये इन दोनों कर्व के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का एंगल जो है, दोनों कर्व के बीच का, ये हमें कैसे फाइंड करना है? द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स एट देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। लेट्स से पी, इतना क्लियर? नाउ इसका मतलब क्या है? मान लिए इस पॉइंट पी से पास हो रहा है कर्व वन का टेंजेंट कुछ इस तरीके से, और इसी पॉइंट पी से कर्व टू का भी टेंजेंट पास हो रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमें इन दो टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना है, लेट्स से थीटा। ठीक है, और यही थीटा हमारा कहलाएगा एंगल बिटवीन द इंटरसेक्टिंग कर्व्स। इतना क्लियर? तो देखिए, मान लेते हैं ये जो आपका टेंजेंट है इसका स्लोप, ठीक है, मान लिए ये एंगल साई वन है और ये साई टू है। ठीक है, तो इसका जो स्लोप है इस टेंजेंट का, इसको हम मान लिए एम वन, और इसका स्लोप है इसको हम मान लिए एम टू। ये हमारा कैसे निकलेगा? टेन ऑफ साई वन, और ये निकलेगा टेन ऑफ साई टू। इतना क्लियर? नाउ एम वन आ गया और एम टू आ गया। नाउ ये एंगल निकालना है, ये कैसे निकलेगा? टेन थीटा इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमें एंगल निकालना है। ठीक है, टेन एंगल, और वही जो एंगल होगा ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा इंटरसेक्टिंग ऑफ टू कर्व्स का। इतना क्लियर? तो देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप वन हम क्या कह सकते हैं, फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट या पॉइंट्स, हो सकता है एक से ज्यादा पॉइंट मिले, ठीक है, ऑफ टू कर्व्स। इतना क्लियर? तो ये पॉइंट पी निकल जाएगा। नाउ फाइंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ कर्व सी वन एंड सी टू, नेमली उनको नाम दे दीजिए एम वन एंड एम टू एट पी। इतना क्लियर? और स्टेप थ्री, टेन थीटा निकाल लेना है, तो ये जो थीटा आएगा दैट विल बी रिक्वायर्ड एंगल। तो आई होप ये चीजें क्लियर हों, इसी के ऊपर ये पूरा जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है। तो चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए, हम क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। इन दोनों कर्व्स के बीच का एंगल फाइंड करना है। स्टेप वन कहता है कि फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो देखिए, एक इक्वेशन दिया है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, दूसरा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? इन्हीं दोनों को आपस में सॉल्व करना है, और एक्स और वाई की जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखिए यहां कह रहा है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर ये चीज हम इक्वेशन वन में रख दे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स टू द पावर फोर इक्वल टू एक्स, ये बन गया, ये लेफ्ट साइड में ले आइए तो माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, टेक एक्स कॉमन, एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो बन गया। नाउ यहां से एक्स आ गया हमारे पास जीरो, और यहां से बन जाएगा एक्स इक्वल टू वन। इतना क्लियर? नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिया हुआ है वाई, तो वाई क्या हो जाएगा, जब एक्स जीरो रखेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो, वन का स्क्वायर वन। ठीक है, तो दो पॉइंट हमें मिल गए, जीरो कॉमा जीरो
और 1,1, इतना क्लियर। नाउ स्टेप टू, फाइंड देयर dy by dx यानी कि स्लोप ऑफ देयर टेंजेंट। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये बन जाएगा 2y dy upon dx इक्वल टू 1, dy upon dx आ गया 1/2y, इतना क्लियर। नाउ इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 2x इक्वल टू dy upon dx, तो ये दो स्लोप मिल गया हमें, ठीक है, टेंजेंट का। नाउ एट पॉइंट 0,0 m1 क्या हो जाएगा, तो देखिए 0,0 x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 0, तो 1/2 × 0, 1/0 इट मीन्स इनफाइनाइट। m2 क्या हो जाएगा, 2x है तो 2 × 0 0, तो tan थीटा क्या बन गया, ये होता है मॉड m1 - m2/1 + m1 m2। यहाँ पे इनफाइनाइट माइनस 0 1 प्लस इनफाइनाइट इंटू 0, ये पूरा क्या बन गया, इनफाइनाइट। तो थीटा क्या हो गया, टेन इनवर्स इनफाइनाइट दैट इज पाई अपॉन 2। नाउ एट पॉइंट 1,1 m1 क्या हो जाएगा, y के प्लेस पे 1, x के प्लेस पे 1, 1/2y, 1/2 × 1, 1/2 x के प्लेस पे 1, तो m2 क्या बन गया, 2 × 1 2। tan थीटा क्या हो जाएगा, मॉड m1 - m2/1 + m1 m2, ये हो गया मॉड 1 - 4 - 3/2, ये टू कैंसिल, 1 + 1 2, मॉड -3/4, तो tan थीटा इक्वल टू आ गया 3/4, थीटा बन गया हमारा tan इनवर्स 3/4, क्लियर। देखिए नेक्स्ट है, सो दैट द फॉलोइंग सेट ऑफ कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनल मतलब होता है 90 डिग्री या राइट एंगल्स, तो इन दोनों कर्व्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। तो देखिए y इक्वल्स टू x क्यूब है, 6y इक्वल्स टू 7 - x² है। नाउ y इक्वल्स टू x क्यूब दिया हुआ है, ये अगर हम इक्वेशन 2 में रख दें तो ये बन गया 6x³ + x² - 7 = 0। नाउ ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया, तो पहला रूट हम हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 6 + 1 = 7 - 7 = 0, तो एक रूट तो हमें पता चल गया x = 1। अब आपके पास दो तरीके हैं, x = 1 कहने का मतलब कि x - 1 इसका एक फैक्टर होगा, x - 1 से इसको डिवाइड कर दीजिए, या दूसरा तरीका है यहाँ पे लिख लीजिए 1, यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ x लिखिए, तो x क्यूब का कोफिशियंट है 6, x² का 1, x का 0, x^0 का -7। नाउ फर्स्ट वैल्यू एज इट इज यहाँ लिख दीजिए, 6 × 1 6, 1 + 6 7, 7 × 1 7, 0 + 7 7, 7 × 1 7, -7 + 7 लास्ट में हमेशा 0 आना चाहिए। ये 0 का मतलब ये जो क्यूबिक है ये आप रिड्यूस कर दिए क्वाड्रेटिक में, कैसे, x - 1 और यहाँ बन जाएगा 6x² + 7x + 7 = 0। नाउ ये क्वाड्रेटिक बन गया, तो यहाँ है 42 और यहाँ है 7, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर नहीं निकल रहा है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, उसके लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, ये होता है √b² - 4ac, तो ये क्या हो जाएगा -7 का स्क्वायर, तो 49 माइनस 4 × 6 × 7, तो देखिए यहाँ है 49, यहाँ है 24 × 7, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0, और डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, देयर इज नो रियल रूट, इतना क्लियर। तो यहाँ पे सिंगल सॉल्यूशन आया दैट इज x = 1, तो y भी क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू दिया हुआ है x³, तो y भी हो जाएगा हमारा 1। नाउ स्लोप ऑफ देयर टेंजेंट निकालना है, तो dy by dx यहाँ बन जाएगा 3x²
और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में बन जाएगा 6 dy/dx इज इक्वल टू 7 का डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया -2x, तो dy/dx -2x/6 यानी कि -x/3 आ गया। ठीक है, तो एट पॉइंट 1,1 dy/dx m1 और यहां पे m2 निकाल लीजिए, तो dy/dx एट 1,1। तो देखिए यहां क्या बन जाएगा, देखिए ये है 3x², तो x के प्लेस पे 1 रखिए तो 3 × 1² ये हो गया 3। यहां क्या बन गया, यहां पे भी x के प्लेस पे 1 तो -1/3, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, m1 -m2 तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस अपॉन 1 + m1 × m2, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, 1 - 1 = 0, डिनोमिनेटर में आ गया 0, तो ये पूरा क्या बन गया इनफाइनाइट, थीटा क्या हो गया tan इनवर्स इनफाइनाइट, दैट मीन्स π/2। ऑर्थोगोनल प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, क्लियर। देखिए नेक्स्ट है, सो दैट द फॉलोइंग कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली एट द इंडिकेटेड पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है, तो पॉइंट्स हमें नहीं निकालने हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सिर्फ हमें ये प्रूफ करने हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो देखिए एक तो हमने देख लिया tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 - m2 / 1 + m1 - m2, दूसरा अगर ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब दोनों का स्लोप जो है m1 - m2 = -1 होगा, तो इससे भी किया जा सकता है और आसानी से किया जा सकता है। तो देखिए x² = f4y, यहाँ पे dy/dx क्या बन जाएगा, 2x = 4 dy/dx, नाउ dy/dx आ गया हमारे पास 2x/4, तो ये आ गया x/2, dy/dx एट 2,1, तो x के प्लेस पे 2 रख दीजिए तो 2/2, ये आ गया 1। नाउ सेकेंड केस है 4y + x² = 8, यहाँ पे dy/dx निकालना है, तो ये हो जाएगा 4 dy/dx + 2x, 8 का डिफरेंशिएशन 0, 4 dy/dx = -2x, dy/dx - 2x/4, ये आ गया -x/2। नाउ dy/dx एट 2,1, ये क्या हो जाएगा -2/2 - 1, तो देखिए अब ये मान लेते हैं हम स्लोप, इसको m1 और इसको m2, तो क्या m1 × m2 = -1 है, तो m1 × m2 ये हो जाएगा 1 × -1, ये आ गया -1, प्रूफ हो गया, हेंस 90 डिग्री हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, सो दैट द कर्व 4x = y² and 4xy = k, दो कर्व की इक्वेशन दी हुई है, लेट्स से इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2। ठीक है, इन दोनों कर्व के बीच का जो एंगल है वो राइट एंगल्स है, मीन्स 90 डिग्री है, अगर ये कंडीशन होता है तो ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए 4x = क्या है, y², अगर 4x के प्लेस पे हम y² सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दे तो ये क्या बन जाएगा, y² × y y³ = k, y यहां से मिल गया k^3, इतना क्लियर। नाउ इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो ये क्या बन गया, 4x = y² है, तो k^1/3² k^2/3, x आ गया k^2/3/4, तो ये x और y ये हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स dy/dx, तो उसके लिए दोनों ही इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहां मिल गया 2y dy/dx = 4। नाउ ये 2 टाइम्स में कैंसिल, dy/dx ये हो गया 2/y। नाउ सेकेंड इक्वेशन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, 4x बाहर
y का डिफरेंशिएशन dy by dx प्लस y बाहर 4x का डिफरेंशिएशन 4, k का डिफरेंशिएशन 0, 4x dy upon dx इक्वल टू आ गया माइनस 4y, ये 4 और ये 4 कैंसिल, dy upon dx ये आ गया माइनस y upon x. नाउ dy by dx इसके स्लोप को हम मान लेते हैं m1. तो देखिए ये है, किस पॉइंट पे निकालना है, एक्स वाई ये दिया हुआ है एट k टू दी पावर 2/3 अपॉन 4 कॉमा k टू दी पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन y के प्लेस पे k टू दी पावर 1/3, मीन्स 2 k टू दी पावर -1/3 लिखा जा सकता है. और यहाँ क्या बन जाएगा, इसको मान लेते हैं m2, तो ये हो जाएगा माइनस वाई, तो वाई के प्लेस पे आ जाएगा k टू दी पावर 1/3 अपॉन x, x के प्लेस पे आ गया k टू दी पावर 2/3 अपॉन 4, ये बन गया माइनस बाहर k टू दी पावर 1/3 इंटू 4 अपॉन k टू दी पावर 2/3, ये बन जाएगा माइनस k 1/3 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा -1/3 और 4. अब चूंकि ये राइट एंगल्स है, इट मीन्स m1 इंटू m2 क्या होगा -1. तो m1 है हमारा 2 k टू दी पावर -1/3 और m2 है -4 k टू दी पावर -1/3 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा -1. ये हो गया -8 k टू दी पावर -1/3 -1/3, तो -2/3 इक्वल टू -1, ये माइनस कैंसिल, k टू दी पावर -2/3 ये बन गया 1/8, तो k टू दी पावर 2/3 अगर करते हैं तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा. नाउ हमें प्रूफ करना है k स्क्वायर इक्वल्स टू 512, तो k स्क्वायर लाने के लिए क्यूबिक कर दीजिए दोनों साइड, तो यहाँ बन गया k स्क्वायर 8 का क्यूब, ये आ जाएगा 512, ये प्रूफ हो गया. नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा. देखिए नेक्स्ट है, प्रूफ दैट द कर्व्स एक्स वाई इक्वल्स टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 टचेज इच अदर. तो देखिए दो कर्व एक दूसरे को टच कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा. अगर वो निकल रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इट मीन्स कि ये दोनों कर्व उस पॉइंट पे टच हो रहे होंगे. ठीक है, तो देखिए इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सिंपली निकाल लेना है. एक्स वाई इक्वल्स टू दिया हुआ है 4, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है 8, इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वाई इक्वल्स टू लिखा जा सकता है 4 अपॉन एक्स. अब इसको अगर हम इक्वेशन 2 में पुट कर दे तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8. ये बन गया एक्स टू दी पावर 4 प्लस 16 होल अपॉन एक्स स्क्वायर, इस साइड आ गया तो 8x स्क्वायर. एक्स टू दी पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0. नाउ अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के प्लेस पे p रख दे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 16 इक्वल टू 0. नाउ इसको हम लिख सकते हैं p माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. तो p की वैल्यू क्या आ गई, p माइनस 4 इंटू p माइनस 4 इक्वल टू 0, p आ गया 4, इट मीन्स p की वैल्यू आ गई 4. तो p आया है 4, सिंस x स्क्वायर इक्वल टू था p, तो x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4, तो x क्या आ गया प्लस माइनस 2. तो देखिए when x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4 अपॉन x है, यहां रख दीजिए तो y क्या आ जाएगा 4 अपॉन 2 2, और when x इक्वल टू माइनस 2 तो y क्या आ जाएगा 4 अपॉन माइनस 2 दैट इज माइनस 2. तो दो पॉइंट ऐसे मिल गए हमें जहां पे ये कर्व टच हो रहा है. ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन बन जाएगा.